जय जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त पार्टनरशिप के वो टॉप 5 एमसीक्यूज जिनके लिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी दे रखा था। क्वेश्चन में दोस्त प्री बोर्ड 1 अद्विका एंड राब्या दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2। 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर को लेकर आ रहा है, इसका नाम है आर्या। आर्या वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, पैसे नहीं लेकर आ रही प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो इनका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया गया है। और अद्विका का कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दिया, मतलब इस वाले पार्टनर का। इससे यह सिद्ध होता है कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो सिर्फ अद्विका है, राब्या यहां कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रही है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, जो सीबीएसई ने रिलीज किया था। तो क्वेश्चन में ये दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है हमारा, क्योंकि सारा पैसा किसको मिल रहा है, इसको। ही इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन थोड़ा और कठिन ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं अद्विका और राब्या, तो किस रेशियो में कर रहे हैं। अगर 20-20,000 या 10-10,000 इक्वली बट रहा है तो इक्वल है उनका रेशियो, 15,000-5,000 बट रहा है तो 3:1 बने। ऐसे आपको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा इस टाइप का एमसीक्यू। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना आपको अद्विका का, राब्या का और आर्या का, मतलब तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेसिकली आपको पता है अद्विका ने ही सैक्रिफाइस किया है, इसका मतलब अद्विका का जब न्यू शेयर निकालोगे आप, अद्विका न्यू शेयर इस तरह होगा ये क्वेश्चन कुछ। अगर 3 नंबर में आया तो पूरा सॉल्व कर दिखाना होगा, अदरवाइज एमसीक्यू में आप सिंपल करेंगे। अद्विका का खुद का शेयर था 5/7, उसने 1/5 शेयर दे दिया किसको, आर्या को। सर राब्या ने कुछ नहीं दिया क्या? नहीं दिया ना, अगर दिया होता तो वो भी यहां पर कुछ ना कुछ पैसे से क्रेडिट होती। तो पूरा का पूरा शेयर दे दिया 1/5 किसने, अद्विका ने। 5 5 = 25 - 7 / 35 18/35 25 - 7 = 18 18/35। नेक्स्ट राब्या की अगर हम बात करें, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, जो पहले हिसाब किताब था वही अब है। आर्या को तो आपको पता ही है, पहली बार नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आया, 1/5। अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे तो ये और तीनों को सामने रख लीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 18/35, 2/7 और 1/5, तो 18 = 18 35 करेंगे यहाँ पर, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 और 35 बनाने के साथ 18:10:7 18:10:7, तो करेक्ट रेशियो 18:10:7 ये रहा। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, वहां आपको सिंपली बी और आगे आंसर जरूर लिख कर आना, क्योंकि एग्जामिनर का ABCD गड़बड़ा हुआ, नंबर चश्मे का कम हुआ तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ABC तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट शी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 15,000। सी का प्रॉफिट शेयरिंग 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज टू बी पेड 5,000। फर्म ने लॉस किया इस साल 1,30,000 रुपए का बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज लोन, तो नेट इफेक्ट बताइए इसका क्या हुआ। तो दोस्त ऐसे केस में आपको पहले तो P&L बनाना पड़ेगा, 1,30,000 का जो लॉस है आपका डेबिट साइड, उसमें 5,000 का इंटरेस्ट और जोड़ देंगे आप, क्योंकि ये भी आपको पेमेंट करना है जिस पार्टनर से लोन, क्योंकि ये चार्ज है इस प्रॉफिट का। तो लॉस हो गया आपका 1,35,000 का। अब जिस पार्टनर को गारंटी दी थी आपने, उसे लॉस से मतलब नहीं, उसे तो प्रॉफिट ही चाहिए। जिसने भी गारंटी दी थी, कुछ भी नाम नहीं लिख रहा है, तो ए और बी दोनों ने गारंटी दी थी, यानी ए और बी इस लॉस को भी झेलेंगे 1,35,000 को, और गारंटी का भी अमाउंट झेलेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया था गारंटी के क्वेश्चन में जब भी गारंटी देगा तो प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम आएगा। दूसरी बात, गारंटी के क्वेश्चन में अगर लॉस हो जाता है, तो आप इस वाले पार्टनर को लॉस भी देंगे। कुल मिला के कहानी यहां पर ऐसी हो जाएगी, 1,50,000 का जो लॉस है ए और बी के में बांटा जाएगा हिस्से में 3:1 में, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट 15,000 रुपए का। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ए एग्रीज टू गिव
वन हाफ ऑफ शेयर टू बी एंड सी, टू बी वन हाफ ऑफ शेयर टू बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब क्वेश्चन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा नहीं है कोई पार्टनर नया आ रहा हो या रिटायर हो रहा हो, सेम रहने वाले, बस ए अपना आधा हिस्सा दान दे दे रहा है किसको, बी को और सी को। इस टाइप का क्वेश्चन कहने को एडमिशन रिटायरमेंट से कॉपी किया गया है। ए का खुद का कितना हिस्सा था 5/10, अब से आधा रह जाएगा क्योंकि आधा दान दे दे रहे हैं भाई साहब, तो 5/20 हो जाएगा नया शेयर। बी के हिस्से की अगर बात करूं तो पहले कितना था 3/10, अब ए से कितना ले लेगा सर, ए से आधा, ए का जो आधा हिस्सा है ए का, ये इसका आधे का 3/5। 3/5 क्यों, देखो ए एग्रीज टू गिव हाफ ऑफ शेयर, हाफ क्या है ए का खुद का भी जो था, ए का खुद का था 5/10, 5/10 का आधा होता है 5/20, 5/20 का 3/5, 5 से 5 काट दीजिए 3/20, एलसीएम लेंगे 2 3 6 और 3 9/20, 2 3 6 प्लस 3 9/20। नेक्स्ट बात करते हैं सीज न्यू शेयर इक्वल्स टू सी का कितना शेयर था 2/10, इसमें प्लस करेंगे कितना, अगेन 5/20 इंटू 2/5, 5 से 5 बढ़ा दीजिए 2/10 प्लस 2/20, एलसीएम लेंगे 2 2 4 2 6 6/20, तो नया रेशियो हो जाएगा 5:9:6। समझ आया आपको या नहीं ये बताइए, सबसे अलग दिया हुआ 5:9:6। एक पे अब तक जितना भी था उसका आधा रहेगा, तो आधा दान दे देगा, आधा कितना है ये रहा 5/20 5/20, जिसको 3:2 में दे रहा है, यानी बड़ा हिस्सा दे रहा है बी को और छोटा हिस्सा दे रहा है सी को। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अनीता एंड आलिया दो पार्टनर है, एडमिट कर रही है आनंदी एक नए पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 रुपए का, विच दे डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू इन द बुक्स। अब से इसको लिखेंगे नहीं, मतलब दो वॉन्ट, दे वॉन्ट टू कंटिन्यू, डू नॉट नहीं, दो वॉन्ट टू कंटिन्यू, मतलब जनरल रिजर्व को एज इट इज रखे रहने देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब नया पार्टनर आगे जाके शामिल हो जाएगा तो जनरल रिजर्व का बेनिफिट उसको भी मिलेगा। ये जो एंट्री होती है बेटा, जो डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है, नया आ रहा हो या पुराना जा रहा हो या चेंज हो जा रहा हो, तो आप इस तरीके से जनरल रिजर्व टू अनीता और आलिया कर सकते हो। ये एंट्री तब होगी जब एडमिशन होने के लास्ट में एकदम न्यू रेशियो बांटा जाएगा, पर हमें आज के लिए आनंदी के एडमिशन पर हमें आनंदी को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर हमारा कौन है, गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, नया पार्टनर गेनिंग। गुडविल के नाम पर पैसा देता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल में डालते हैं, नहीं देता तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई रिजर्व बचा है तो हम उसको रिजर्व के नाम पर डेबिट कर देते हैं। तो 20,000 का 1/4, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, वो करना क्या चाह रहा है, बोला है वॉन्ट टू कंटिन्यू, मतलब यही रखना चाह रहा है, रिजर्व वुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व को बांटने की जरूरत नहीं। 5,000 से इस भैया को डेबिट कर देंगे, बिकॉज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है पुराने वाले उनको क्रेडिट किया जाता है। तो 5,000 2,500 2,500। आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, बेहतरीन वाला क्वेश्चन होगा ये भी, आखिरी है, इसके बाद भी कोई है, आखिरी है। पी एंड क्यू दो पार्टनर है विद अ कैपिटल बैलेंस ऑफ 1,20,000 और 80,000। The deed provides that interest on capital at the rate 5% per annum. मतलब 1,20,000 पर 5% 6,000 रुपए, 80,000 पर 5% 4,000, 10,000 रुपए की इंटरेस्ट दे दी। एट द एंड ऑफ ईयर द सफर और लॉस ऑफ 20,000, फर्म को लॉस हो गया भैया 20,000, तो अमाउंट बताइए इंटरेस्ट का कितना दिया जाए, 6,400 दिया जाए या 3,200 दिया जाए 6-6 महीने का, या नहीं दिया जाए। सर नहीं दिया जाए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि इंटरेस्ट इवन बी प्रोवाइडेड द फर्म इनकर लॉस, मतलब आपको इंटरेस्ट देनी देनी है भले ही फर्म लॉस करे, या इंटरेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट को क्या बना दिया जाए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो भी इंटरेस्ट दिए जानी चाहिए। आ रही बात समझ में, तो इस केस में हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, इंटरेस्ट को अप्रोप्रिएशन ही मानना है। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब 5 बेहतरीन वाले एमसीक्यूज में आपको कॉल कराने वाले।